अब यार ये वाला वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन यार बहुत सारे लोगों का पैसा वेस्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। अभी रिसेंटली Realme ने एक फोन लॉन्च किया, Realme 12 Pro Plus। अब यार ये फोन तो है बहुत ज्यादा बढ़िया, लेकिन यार इसका जो प्राइस है 30,000, वो भी बेस वेरिएंट। और इन लोगों ने जब प्राइस बताया, मेरे मुंह से बस एक ही चीज निकला, अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि Realme वाले इतना प्राइस क्यों बढ़ा रहे अपने फोन का। अब आप लोग इसका जब स्पेसिफिकेशन देखोगे तो आप लोग एक ही चीज बोलोगे कि भाई ये फोन है ना ओवर प्राइस है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं वो गेमिंग फोन के रिलेटेड रहता है, या फिर मतलब बजट के हिसाब से, बजट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट गेमिंग फोन कौन सा रहेगा, 20,000-15,000 के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट गेमिंग फोन रहेगा, मैं वैसे टाइप के वीडियोस बनाता हूं। मैं ऐसा कोई नहीं कि ऑलराउंडर के हिसाब से मतलब कैमरा जो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा वैसा वाला वीडियो मैं नहीं बनाता। मैं सिर्फ ये देखता हूं कि हम लोग गेमिंग के अंदर कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के देगा, और मैं वही सब वीडियो बनाता हूं। हम लोग गेमिंग के अंदर देखेंगे कि गेमिंग के अंदर ये कैसा परफॉर्मेंस करता है, और क्या हम लोग को 30,000 के अंदर ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर हम लोग पास कोई और दूसरा ऑप्शन है या फिर नहीं है, वो सब हम लोग पूरा इस वीडियो के अंदर बातें करने वाले। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और हाँ अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और आप लोग भाई इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो ना मेरे को, मैंने बोला था कि बस आप लोग अगर मेरे को सपोर्ट कर दो तो कमेंट के अंदर कुछ भी लिख देना ABCD, तो इस बार भी ये कुछ भी लिख देना भाई, ABCD कुछ भी लिख देना। आप लोग यार लिटरली इतना ज्यादा प्यार दिखाते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मतलब बहुत ज्यादा ये, क्योंकि मैंने एक महीने से वीडियो कुछ भी नहीं डालता, लेकिन आप लोग ने फिर भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी बात करते हैं कि Realme 12 Pro Plus कैसा रहेगा गेमिंग के लिए, क्योंकि भाई 30,000 रुपए हम लोग इन्वेस्ट करने वाले किसी फोन के अंदर, और वो अच्छा हम लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस ना निकाल के दो, भाई हम लोग 30,000 के अंदर वो फोन क्यों ही लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। 6.6 इंच का फुल HD प्लस का AMOLED डिस्प्ले मिलता है इसके अंदर, और ये जो डिस्प्ले ये कर्व डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने के लिए मिल जाता है, और इसके साथ आप लोग को 2000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट भी देखने के लिए मिल जाता है। अब गाइस देखो 30,000 हम लोग दे रहे, तो 30,000 के अंदर ये सब चीज तो मैं बोलूंगा नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो 27,000 के अंदर हम लोग को पोको X6 Pro मिल जाता है, जिसके अंदर हम लोग जो स्पेसिफिकेशन मिलता है इससे ज्यादा मेरे को लगता है कि बढ़िया है उसके अंदर स्पेसिफिकेशन, क्योंकि हम लोग को इस फोन के अंदर जो Realme फोन है उसके अंदर हम लोग को जो प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है वो Snapdragon का 7S Gen 2 प्रोसेसर। अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इन लोगों ने ये कौन से नशे कर दिए कि भाई इतना ज्यादा 30,000 का फोन है, भाई कम बात नहीं है, 30,000 के फोन के अंदर इतना सा मतलब एक कमजोर प्रोसेसर दे दिया है, क्योंकि 30,000 के अंदर हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है। लाइक हम लोग को 30,000 के फोन के अंदर Snapdragon का 8 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है, MediaTek का Dimensity 8300 अल्ट्रा प्रोसेसर भी मिल जाता है, तो समझ लो भाई ये जो प्रोसेसर है ये एकदम बेकार है, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है मैं बोलूंगा मिड रेंज के हिसाब से सही है, लेकिन हाँ हम लोग 30,000 रुपए दे रहे तो भाई 30,000 के अंदर हम लोग कम से कम है ना Snapdragon 8 Gen 1 या फिर Dimensity 8300 अल्ट्रा या फिर 8200 तो हम लोग को चाहिए ही चाहिए। लेकिन भाई प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा ये प्रोसेसर के साथ मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमा। और गेमिंग के अंदर इसके अंदर आप लोग बाय डिफॉल्ट जो ग्राफिक सेटिंग देखने को मिल जाएगा स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बस यही तक आप लोग ऑप्शन मिलेगा, 90 FPS आप लोगों का सपोर्ट नहीं करेगा, और HDR प्लस अल्ट्रा तक का सपोर्ट करेगा। तो भाई इससे अच्छा मैं बाकी दूसरा फोन क्यों ना ले लूं जिसके अंदर Snapdragon 8 Gen 1 मिलता है और MediaTek का Dimensity 8300 या फिर 200 मिलता है, उसके अंदर हम लोग को बाय डिफॉल्ट 90 FPS मिलता है। अब मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि इससे ज्यादा अच्छा फोन आप लोगों को कौन सा रहने वाला है जो आप लोगों को बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा, 8 Gen 1 रहेगा और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोसेसर भी रहेंगे, तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये फोन तो भाई मेरे को बिल्कुल भी नहीं जमा गेमिंग के लिए। मैं बोलूंगा भाई गेमिंग के लिए सबसे ज्यादा बेकार फोन है 30,000 के अंदर, लेकिन अगर आप लोग लुक के लिए ले रहे हो या फिर कैमरे के लिए ले रहे हो तो मैं बोलूंगा हाँ इस फोन को ले सकते हो या फिर डिस्प्ले के लिए ले रहे हो, लेकिन अगर गेमिंग के लिए लेना है, एक ऑलराउंडर के लिए लेना है ना, मैं बोलूंगा मत लो भाई इस फोन को, पछताओगे बाद में। और देखो 30,000 का प्राइस ले रहे हैं, मेरे को लगा कि बहुत अच्छा अच्छा चीज दे दिया रहेगा इसके अंदर, लेकिन कोई ऐसा मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया है, वही आप लोग को बजट के अंदर मिलता है, जो 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 67W का चार्जर मिलता है, वही आप लोग को मिल रहा है भाई, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि भाई इसके अंदर कैमरा थोड़ा सा इन लोगों ने इंप्रूव कर दिया है, कैमरा मेरे को थोड़ा सा बढ़िया लगा इसके अंदर। आप लोग को 50 MP का, 64 MP का, 8 MP का, बैक के अंदर 3 कैमरा मिलता है, और फ्रंट के अंदर आप लोग को 32 MP का मिलता है। बाकी मैं पूरा एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो इसके ऊपर बना दिया ऑलरेडी कैमरे के ऊपर। कैमरा देखो मैं बोलूंगा अच्छा है, लेकिन 30,000 के हिसाब से भाई कैमरा दूसरे फोन के अंदर भी अच्छा मिल जाता है आप लोगों को, तो मैं बोलूंगा इस फोन को बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप लोगों को पैसा वेस्ट करना है तो आप लोग इस फोन की तरफ जा सकते हो, सिंपल सी बात है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले वाला फोन भाई 30,000 के अंदर ऑलरेडी मिलता है। इस सेम स्पेसिफिकेशन अगर आप लोग देखने जाओगे ना तो बहुत सारे फोन ऑलरेडी है जो 22-23 या फिर 25,000 के अंदर मिलता है, तो मैं बोलूंगा इस फोन की तरफ मत जाओ, पैसा बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। और अगर आप लोग को स्पेशली गेमिंग के लिए फोन चाहिए तो मैं 30,000 के अंदर आप लोग के लिए वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर आप लोग को जो अच्छा लगे ना मतलब मेरे हिसाब से मैं बताऊंगा उसको आप लोग को, 30,000 के अंदर ऐसे ऐसे फोन बताऊंगा ना, तो भाई ये फोन जो है ना बिल्कुल भी टक्कर का नहीं है उसके, ये फोन उनके एकदम नीचे आएगा, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में बात कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा फोन आप लोग को बताने वाला हूँ 30,000 के अंदर। और अभी एक और एक फोन लॉन्च होने वाला है 30,000 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब प्राइस रहेगा उसका, iQOO का एक फोन आने वाला है, तो उसका प्राइस क्या रहने वाला है और उसका जो अंदर स्पेसिफिकेशन है वो सब कुछ पता चल
ठीक है। बाकी जब ये फोन लॉन्च होगा उसका जो प्राइस के बारे में सही से हम लोग को पता चलेगा, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा। 22 तारीख को शायद से इसका फोन का लॉन्च मतलब है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, तो तभी देखते हैं कि 22 फरवरी को क्या होता है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि वो फोन कैसा है गेमिंग के लिए। बाकी आईक्यू के फोन जो रहता है ना वो भाई गेमिंग के लिए बेस्ट रहता है, और लॉन्च से एक दो दिन पहले ही शायद से उसका जो प्राइस है वो पता चल जाएगा हम लोगों को, तभी मैं वीडियो बना दूंगा कि लेना या फिर नहीं लेना है। क्योंकि देखो प्राइस के हिसाब से ना भी बहुत सारे फोन ऐसे आ रहे हैं, मतलब अगर अभी के टाइम के अंदर 25 से लेकर 30 हज़ार के अंदर फोन लोगे ना या फिर 35 हज़ार के अंदर, बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा डिवाइस आप लोगों को मिल जाता है। और 15 हज़ार के अंदर 10 हज़ार के अंदर अभी पहले ऐसा बात नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बेकार फोन बनाते हैं मेरे, मैं तो सीरियसली बात बोल रहा हूँ। 15 हज़ार के अंदर और 10 हज़ार के अंदर पहले बहुत ज़्यादा अच्छे फोन मिलते थे, लेकिन अभी के टाइम के अंदर भाई एकदम बेकार बेकार फोन है, जिसके अंदर आप लोगों को 5G चिपसेट तो देखने के लिए मिलता है लेकिन वो वाला परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता जो हम लोगों को 15 हज़ार के अंदर पहले परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता था गेमिंग के लिए। लेकिन अभी के टाइम के अंदर मैं बोलूँगा फोन भाई 15 हज़ार के अंदर एकदम बेकार आता है। लेकिन अब अगर आप लोग का बजट 20 से लेकर 30 हज़ार के बीच के अंदर है तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फोन है, तो आप लोग उसके तरफ जा सकते हो, और मैं आगे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। लेकिन देखो अगर आप लोगों को ये फोन लेना है ना रियलमी का जो ये है रियलमी 12 Pro Plus, तो आप लोग खुद देख के लेना है, क्योंकि देखो ये वाले फोन को मैं गेमिंग के लिए बिल्कुल भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा फोन है। बाकी इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा कि इस मतलब इसका अल्टरनेटिव आपको कौन सा फोन लेना चाहिए 30 हज़ार के अंदर, अगर आप लोगों को रियलमी का ये फोन बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन अगर आप लोगों को ये फोन नहीं लेना है, आप लोग कोई और फोन लेना है, तो मैं बहुत जल्दी बना दूंगा बेस्ट गेमिंग फोन अंडर 30,000, तो उसके अंदर मैं पूरा बता दूंगा कि कौन सा फोन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो उसके लिए जरूर वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा।